ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਆ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਹੈ ਸਾਰੀ ਆਪਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਕੋ ਫੁੱਲੀ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ ਭਾਈ ਫੁੱਲੀ ਮੁਤਮਿਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੇ ਆਗੇ ਆਗੇ ਦਰਿਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਏ ਜਾਫਰ ਸੱਜਾ उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे, सेहत तबीयत मिजाज आपके ठीक ठाक होंगे। जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक ठाक हूँ। अभी अभी सो के उठा हूँ, नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने जो है रेडी हुआ हूँ बैठे बैठे कि व्लॉग चलो एक शूट करते हैं और चलते हैं ननिहाल। इतना अरसा हो गया है मुझे गया हुए तो मुझे अब याद भी नहीं पड़ता। तो मैंने सोचा अपने यूट्यूब वालों को भी दिखाऊँ, अपने फैमिलीज़ वालों को भी दिखाऊँ, अपने भाइयों बहनों को सबको दिखाऊँ मेरा ननिहाल किधर है, किस जगह पर है। और उससे उसी जगह पर मेरी प्यारी सी आई मिस यू सो मच अजवा। मैं अजवा को भी मिलने जा रहा हूँ, ठीक है जी। वो भी उसी जगह पर ही है जहाँ मेरा ननिहाल है, वहीं पर ही अजवा भी। सो टू इन वन कॉम्बो होने वाला है जी, बड़ा मज़ा आने वाला है। मज़े की बात यह है कि मैं अकेला जा रहा हूँ, क्योंकि अकेला बंदा कल्ला बंदा दुनिया का है तो कल्ले बंदे ही जाना है, एक गल याद रखे। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ ननिहाल। ये मेरे कमरे का हाल, ये देखें हाल। काफ़ी लंबा अरसा हो गया आपकी भाभी को गए हुए, कोई शर्म हया ही नहीं आ रहा कि बंदा वापस आ जाए, कोई बंदा आ ही जाए। बात तो सही है। खैर तो जी, जिन्होंने अभी तक जिंदगी भर जाफर सज्जाद को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से बेल आइकन दबाएं और शेयर करना ना भूलिएगा। लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स में आप जवाब ही नहीं देते यार, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भी किया करें। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे टिंग टॉन्ग कर दें। तो चलते हैं जी और आपको आज अपना ननिहाल दिखा, लेट्स गो। चलो जी, चलो जी। से चक से, ठीक है जी, इस रोड पे आते आते तकरीबन 15 मिनट लगे हैं और इससे आगे हार्डली 10 एक मिनट की ड्राइव रह गई, क्योंकि अब रोड बड़े अच्छे बनी हैं। पहले रोड बहुत गंदे थे, तो अल्लाह भला करे जिसने भी बनवाया, रोड बहुत अच्छे बनी हैं अब। रोड की वजह से जो है सफ़र वो आपका इतना सो गया, पहले जो सफ़र इतना था अब इतना हो गया। तो बस उधर पहुँचते हैं और आपसे होती है मुलाकात वहाँ पर, कुछ आपको अपनी यादें शेयर करूँगा और नानों की कब्र पे भी जाना है। सबसे पहले उधर जाएंगे, फिर अजवा से मिलेंगे, फिर अपने दूसरे डेरे पे जाएंगे। तो फिर ऐसे करते कराते आज आपका भाई सैर सपाटा करके आ जाएगा। मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ, ठीक है जी। तो बस पहुँचते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं। ये जी आ गया हमारा ननिहाल पिंड जी, जो छावरियों के साथ है जी। तो इधर सारा मेरा बचपन गुजरा, इधर आपके भाई ने सारा जो है ना, जितनी आपका भाई छुट्टी वगैरह आता था ना सऊदीया से, जितना गर्मियों की छुट्टियां, वो सारा मेरा इस जगह पर होता था। इधर मेरी बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी यादें हैं कि गिन गिन के भी मैं नहीं बता सकता। पतंगबाजी मैंने यहाँ पर की, एक बस इधर काम नहीं हो पाया। वो काम ये नहीं हो पाया कि ये जो आके आपके ये नहर आ रही है ना छोटी सी, आपने चाक वाली तो नहर देखी हुई है ना, इस पे मैं नहीं नहाया। मुझे ना ज़रा डर लगता है इस नहर से, पता नहीं क्यों, ये वाली जो है ना इससे मुझे डर लगता है। ये तो खैर बहुत फिर बड़ी है ना जी, तो ये अब जो है इधर एक नहीं नहाया। बाकी मैंने जो जहाँ का काम काज जो है वो सारा कुछ इधर ही है, इधर ही आपको दिखाऊँगा। अभी अजवा भी आएगी, पहले नानों की कब्र पर जाएंगे जी। कब्रिस्तान से होली है जी, अब जा रहे हैं अजवा की तरफ। नानों ने मेरे वो नाज नखरे उठाए हैं, मामू ने, मीन्स कि मैं नीचे जो वॉक या वो रिड़ने का टाइम था ना, वो भी मैंने बंदों की गोदों में गुजार दिया। इवन मेरा नानों के साथ वो प्यार था
कि वो अम्मी को भी डांट देती थी, अम्मी को भी बड़ी डांट पड़ती थी मेरी वजह से। अम्मी मुझे अगर कुछ कहती थी तो नानू जो है ना उनको बड़ा डांटती थी। तो बस अल्लाह ताला उनकी अगले रास्ते आसान करे, अल्लाह ताला उनको अल्लाह मकाम दे जन्नत में जी सारे, आमीन। ज़रूर कहिएगा कमेंट्स के अंदर। तो अब जा रहे हैं अजवा की तरफ और अब ज़रा जा के आपका माहौल बनवाते हैं अजवा की तरफ और मौलवी साहब की तरफ। जी डेरा आ गया मौली साहब का, ठीक है जी। मौली साहब ने अब घर भी इधर ही बना लिया, इधर ही डेरा। अब इस छत के ऊपर जी हम लोग कबूतर उड़ाते थे, मामू ने इधर कबूतर रखे हुए थे, इधर हम लोग कबूतर उड़ाते थे। बड़ी मतलब मजे मजे की यादें हैं जी। जी जो मेरा अपना डेरा ओरिजिनल वाला वो ये है, ठीक है जी। इधर मुर्तजा बादशाह आते थे और ये उनका कमरा है, और फिलहाल इधर सिर्फ फसल ही है। रास्ते से मैंने मौली साहब को पिक किया है और इनको पिक करने के बाद मैं इधर आ गया हूँ। ये सद्दा इलाका कहलाता है। अब मैं आपको जहाँ लेके जा रहा हूँ वो दरिया है जी, बिल्कुल हमारे मतलब छलांग मारे दरिया के अंदर जाते हैं। दरिया ने मौली साहब कितनी जा खा गया, छः साढ़े छः एकड़ जो है ना वो दरिया प्यारा अपना ले गया है ज़मीन हमारी। यहाँ से वापसी पर इंशाल्लाह अजवा से मुलाकात करते हैं। पहले मैंने कहा पहले उधर से होते हैं, फिर वापसी पर जाके अजवा की वीडियो और क्लिप आपको दिखाते हैं। वैसे मैंने दूर से देखे, मुझे बड़ा मज़ा आया उसको देखते हुए ना, आपको भी आएगा। दरिया चेक करें, अब बहुत सारा परे हो गया, वरना तो ये यहाँ यहाँ तक फुल होता था। और ये जो है गन्नों वगैरह लगी है हमारी, और ये जनाब जी पूरा, अब वो जो सफ़ेद है आपको वो नज़र आ रहे होंगे ये वाले, इससे आगे आगे दरिया चला गया होगा। ये चेक करें हाँ, ये हमारे बिल्कुल ये जितनी जगह पड़ी है ना ये सारी जो है ये हमारी अपनी ज़मीन है और अपनी जगह है जो दरिया को प्यारी हो गई थी अब, लेकिन अलहम्दुलिल्लाह से दरिया जो है वो उस तरफ हो गया हुआ है उस दरख्तों की उस तरफ से। तो ये उम्मीद है कि कुछ अर्से तक ये कवर अप हो जाएगी। इधर से लेके वो सामने मेरी गाड़ी भी खड़ी है, आप नज़र आ रही है, ये सारी इधर से आगे तकरीबन 8-9 किले जगह है। इट्स माय ओन। ये यहाँ भी सारी गंदम लगी है, यहाँ पर सब्जी सुब्जी लगी है जी, ठीक है सब्जी सुब्जी है, और ये सारी गंदम है। मौलवी साहब के डेरे पे पहुंचे, ये सारा रकबा मौलवी साहब का है जी। और ये खड़ी है अजवा, बहुत ही बेहतर हो गई है, बहुत बेहतर बहुत बेहतर। हाँ जी गाइस बताएं कि ये बेहतर है कि नहीं, मेरी नज़र में तो ये बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। अजवा 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 माशाल्लाह, अब अजवा वो वाली अजवा अजवा मेरे बेटा, ओए बेटा अज तक ओ बदमाशियाँ ओ बदमाशियाँ, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। सब अचारा भाई मेरे बच्ची को फुल ऑन चस पे आया घोड़ी माशाल्लाह। अजवा माशाल्लाह भाई आपका फुली मुतमिन है भाई, फुली मुतमिन माशाल्लाह से फुली मुतमिन। मैं अगर मैं किसी पे ट्रस्ट कर सकता हूँ खोड़ों पे, तो मौलवी साहब पे कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। आई एम वेरी वेरी हैप्पी जी। ये इनकी गन्नों वगैरह जी, ये सब्ज़ी वगैरह लगी हुई आई थिंक सो। ये इनका अमरूदों का बाग है जी, ठीक है। फ़िलहाल मेरे ख्याल अमरूद लगे कोई नहीं हुए, जाके चेक करते हैं जी। मौलवी साहब का ट्रैक्टर खड़ा है यहाँ पर, मामू लोग ऊपर इस घर के ऊपर जो है ना वो करते थे कबूतरबाजी करते थे, और यहाँ से वो पिंड तक जाना शहर के अंदर घोड़े छोड़े घूम के आने। ये काठी शाठी मौलवी साहब ले आए हैं, इसको आज मैंने लेके जाना है साथ, मौलवी साहब को सेट करा के देनी है। मौलवी साहब राइडिंग करना चाहते हैं, ये अगले आने वाले दिनों में बहुत बड़े सवारों में शुमार होगा नेज़ाबाजी। ये देखें इन्होंने ये सांग भी लेके आए हुए हैं। ऐ मौलवी साहब सांग चे बै बागात में जा रहे हैं जी। ये देखें बड़े फिट किस्म के अमरूद शमरूद हैं जी, पूरा बाग मौलवी साहब ने सेट किया हुआ है। और कैप शैप मैंने इसलिए पहन लिया है, जो सवार होता है वो जब घोड़ों के पास जा रहा होता है या कहीं आगे पीछे घोड़े देखने जा रहा, तो उसकी ये बड़ी जीनत और बड़ी खूबसूरती लग रही होती है जी। चल झूठा शाह सवार आजम।
तो पट्टे शट्टे भी मौली साहब ने फिट लगाए हुए हैं, अमरूद लगे हुए हैं जी, ठीक ठाक अमरूद लगे हुए हैं। ये चेक करें, ये अमरूद का बच्चा है, ये अमरूद खुद है, ये अमरूद का बच्चा है, बड़े फिट बाग हैं जी, माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अमरूद फिट हैं जी। अब रोज़ाना होता ना तो तोड़ के इधर खाने का जो मज़ा है ना वो कहीं भी नहीं है। ये देखें बड़े फिट फिट अमरूद हैं जी, ये देखें, ओहो हो, चस आ गई चस आ गई, अमरूद अच्छे हैं माशाल्लाह से। मुझे अब पीछे से एक कॉल आ गई है, उस वजह से मैंने ज़रा जल्दी निकलना है, इफ्तारी घर जाके करनी है, मौली साहब आ रहे हैं ज़रा, तो वो अमरूद कह रहे हैं तोड़ने हैं बच्चों के लिए, अपने अमरूद लेके जाने हैं, तो तोड़ते हैं हम देखते हैं और साथ ही फिर आगे निकल चलेंगे। मौली साहब अमरूद तोड़ के ला रहे हैं अपने बाग में से, वाह जी वाह। मौली साहब कितने लगे हुए हैं, 2 किलो? वाह जी वाह, बेहतरीन हो गया काम। घर पहुंच आए थे जी, और वो जो मामलात चल रहे थे जल्दी जल्दी घर आ गया, वो सारा कुछ सुकून.com हो गया। अब करने लगे हैं, क्या करने लगे? सारी हैं सारी, आपने तो करनी नहीं है। हाँ जी मैंने भी की है। क्या अफ्तारी? इसके चल रहे हैं पेपर, तो ये रेस्ट हाउस पे आया हुआ है, ऐसे ही है ना, शैतान कैद हो गया। बात तो सही है। ये भी कैद हो गया। अजवा वैसे कैसी लगी? जबरदस्त है ना, अजवा में दुआएं दे रही होगी कि बड़ी मेहरबानी आपने मुझे टोर दी। तो अब अफ्तार करते हैं, अफ्तार करने के बाद नमाज पढ़ते हैं, फिर व्लॉग एंड करते हैं। मैं आदि के साथ लगा हूँ, आप समझ रहे हैं मैं इसके साथ लगा हूँ? ना 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 चन्ना। तो अफ्तारी वगैरह होगी, नमाज़ पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह से, अब जो है व्लॉग का यहीं करते हैं एंड इस मज़े से व्लॉग का। अजवा से मैं मिलने गया हुआ था, स्पेशली अजवा से मिलने भी गया हुआ था, साथ नानों की कब्र पे भी जाना था, इसलिए मैंने सोचा कि आज निकलते हैं और नानका जो गांव है उसको विज़िट कर गया था, काफ़ी लंबे टाइम बाद विज़िट किया। तो मिलते हैं आपको इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ। ज़िंदगी भर जाफर सजात को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकॉन पर लगा दें, टिंग टोंग ज़रूर कर दिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपको इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।